भाई ये मुंह लेके मैं बाजार में कैसे जाऊंगा। सो हेलो भाइयों, क्या हाल चाल आप लोगों के? मेरे हिसाब से मस्त होंगे। तो भाइयों आज है होली, तो आप सबको मेरी ओर से हैप्पी होली भाइयों। तो मैंने आपको कहा था कि मैं कल को जाऊंगा रावड़ा मंडी, मैं वहां पर जाऊंगा, वहां पर दादी जी के साथ भी वहां पर भी जाऊंगा दादी जी के पास, वहां पर भी हम लोग होली खेलेंगे। फिलहाल तो मैं देखूंगा नहाऊंगा अभी तक, उसके बाद जाऊंगा। और मैंने जो कल का वीडियो है, जो कल की वीडियो थी परसों की, वो मैंने अपलोड फिलहाल तो कर दी है। तो हैप्पी होली सबको। मम्मी हैप्पी होली बोल दो। हैप्पी होली लक्ष्मी। तो भाइयों सारे हैप्पी होली बोल रहे हैं, मम्मी भी आपको। तो पूजा हैप्पी होली। तो भाइयों मैं फिलहाल नहा लेता हूँ और हम लोग उसके बाद चलेंगे वहाँ पर जहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था। तो आज तो मैं जल्दी उठ गया, 10 बजे उठ गया था। तो वीडियो थी वो मैंने सुबह को ही अपलोड कर दी थी एडिट है, और जो थंबनेल है वो हम लोग जाते जाते हैं कैसे भी बना लेंगे। तो फिलहाल मैं नहा लेता हूँ। सो भाई मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ फिलहाल। तो अब हम लोग चलेंगे जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैंने नहा भी दिया हूँ और जो खाना था उसे भी कर लिया है। तो चलते हैं हम लोग। भाई मैं यहाँ पे बस स्टैंड के अंदर तो फिलहाल आ चुका हूँ, परंतु जो बस है एक तो चली गई है, एक उसका आने का अभी तक टाइम है। तो हम लोगों ने इन भैया से पूछा था कि बस आने वाली है। तो हैप्पी होली भैया आप लोगों को। हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। हाँ हैप्पी होली, थैंक यू। तो भैया मेरे को हैप्पी होली कह रहे हैं। तो भाइयों हम लोग बस का वेट करते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे। फिलहाल बस आई चुकी है, तो मैं सीधा आप लोगों को जो रावला मंडी है वहीं पर जाके मिलता हूँ। सो हेलो भाइयों, तो मेरे को जहाँ पर आना था मैं तो फिलहाल वहाँ पर आ चुका हूँ, क्योंकि आज होली है। तो होली के दिन तो मैं आ ही चुका हूँ जहाँ पर मैंने आपको कहा था मैं जाऊँगा रावला बाज़ार के अंदर, रावला मंडी। तो मैं वहाँ पर उतर गया हूँ, मैं इसे आगे उतरना था पर मैं पीछे ही उतर गया, क्योंकि भाई वो मार्केट इधर आ जाता, क्योंकि बस वाला ज़्यादा ही आगे ले जाता है यार। तो मैं पीछे ही उतर गया। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। भाई वैसे तो यार मौसम ना बहुत ज़्यादा बारिश वाला हो रखा है यार, बस डर ये है कि बारिश ना जाए। अगर बारिश आ गई उसके बाद आप सोच ही सकते हो कि भाई वो बुरा हाल हो जाएगा। एक मोबाइल है उसका भी जैसे ख़राब होने का डर है, तो उसके लिए मैं कुछ थैली या कुछ भी नहीं लेके आया, बस बारिश ना जाए उसका डर है अब। और यहाँ पर वैसे भाई मेरे को ना वहाँ पर मार्केट के अंदर बोल बोल करना शर्म है ना, काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुकी है। जैसे यहाँ पे मेरे को लोग देख रहे हैं ना, तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। प्रोग्राम का समय रहे, पहले वहाँ पे मेरे को डर लगता था परंतु अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे को। तो आगे देखते हैं यार, देखेंगे कलर लेके जाएं या नहीं, क्योंकि भाई हो यार क्या पता दादी जी हैं वो ले आए होंगे, क्या पता। वैसे उतने ज़्यादा मेरे पास पैसे भी नहीं है कि हाँ मैं कलर लेके जा सकूँ, क्योंकि मैं पैसे सिर्फ जो किराया है उसी के ही लेके आया था। तो देखते हैं आगे, मैं मार्केट के अंदर तो फिलहाल पहुंच चुका हूं। तो भाइयों हम लोगों ने बातचीत भी कर लिया है और हम लोगों ने
जो कलर लेना था वो भी ले लिया है, परंतु ज़्यादा हम लोगों ने नहीं लिया है। जैसे कि मेरे को ज़्यादा तो चाहिए नहीं था यार, और ज़्यादा मैंने आपको बताया कि पैसे भी नहीं थे, तो मैंने 20-30 रुपये का कलर ले लिया है। तो हम लोग चलते हैं, जैसे यहाँ से पैदल भी मेरे को अभी तक काफ़ी दूर जाना है, तो नहीं है दीदी पैसे, काफ़ी दूर जाना है। जैसे कि यहाँ से पैदल जाएंगे, यहाँ तो बस बारिश वूरिश ना जाए, तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जाना है। हैप्पी होली अंकल जी। तो हम लोग जैसे बातचीत भी करते चलते हैं यार, क्योंकि हम लोग यहाँ पे, मेरे को शर्म तो नहीं आ रही है व्लॉगिंग करने में, पर तो हम लोग बात करेंगे उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा हुआ। तो यार वैसे भाइयों, अगर आप लोग कोई भी अगर ब्लॉगर है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो भाई जितना उसके उतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर बातचीत करो, उससे आपका जो बोलना है ना वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जैसा मेरा हो गया है। भाई मेरे को पहले पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था, और वैसे वैसे अब मेरा जो डर है ना वो काफ़ी ज़्यादा निकल गया। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं फिलहाल क्या कुछ बनता है। तो भाइयों मेरे को यहाँ पर दो भाई मिले हैं, ये तो हैप्पी होली भाई आप लोग हैं, तो इन्होंने मेरी आईडी पूछी है, तो इनको थैंक यू भाइयों मेरी आईडी पूछने के लिए। आप एक्सेप्ट कर लेना, आईडी मिल जाएगी आपको, ठीक है। हाँ तो भाइयों, इन्होंने मेरी आईडी पूछी कि आपके जो आप यूट्यूबर हैं तो आपकी आईडी क्या है, तो मैंने इन लोगों को यूट्यूब की जो आईडी है वो मैंने बता दी है, तो हम लोग सीधा वहीं पर जाके मिलेंगे। तो यार भाई जिस चीज़ का डर था वही हो गया यार, बारिश आ गई है सच में, पर ज़्यादा तो नहीं आई है परंतु बारिश आ गई है। जल्द से जल्द आगे पहुँच कर देखते हैं कि कोई जगह मिलती है तो रुकते हैं यार, वरना मोबाइल की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, मैं भीगूंगा वो लग पर तो मोबाइल ख़राब हो जाएगा, इसलिए जल्द से भाग के चलते हैं हम लोग आगे। भाई मैंने तो सोचा था पता नहीं क्या हो जाएगा यार, बारिश आ गई है क्या होगा, मैं कैसे जाऊँगा कैसे नहीं, परंतु भाई भगवान चाहता है तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई वो बारिश है वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है, वैसे मेरे को रुकना भी नहीं पड़ा और मैं जल्द से जल्द जा भी पाऊँगा, तो चलते हैं। फिलहाल पहुँच चुका हूँ भाइयों मैं, तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ दादी जी और अब वो दूसरे कमरे में हैं, वो अपने पैसों का थोड़ा हिसाब से करवा रहे हैं, तो मैं आगे पहुँच दूसरे कमरे में, तो देखते हैं लोग होली खेलेंगे एक बार, तो काम करें वो कर लें। तो भाई ओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये है मेरी बुआ जी का लड़का है जो मेरे दादी जी के साथ में रहता है, तो भाई ये ना इनको मैंने फ़ोन भी कर दिया था कि मैं आऊँगा, और ये कहता तू जल्दी से आया मैं कलर लेके आ रहा हूँ, ये अभी तक कलर कूलर कुछ नहीं लेके आया, और मेरा आपको बताइए मैं लेके आया था भाई, इसको जो कलर है ना सारा इसी पे ही थे प्रोग्राम में, सारा का सारा इसी को ही लगाऊंगा, तो देखते हैं होली खेलते हैं। तो भाई हम लोग होली खेल लेते हैं फिलहाल, तो मैंने मेरी बुआ के लड़के को टाइम दे दिया था कि मैं कलर लगाऊंगा, तो वो चला गया रंग लेने के लिए, और जल्द से जल्द उसे कलर भी मिल गया, तो मैं अब दादी जी को कलर लगा देता हूँ, उसके बाद हम दोनों भाई खेलेंगे। तो भाई इधर जो भाई है दादी को कलर लगा रहा है अपनी नानी जी को, तो मेरे को तो दादी ने रंग दिया है, तो अब बारी है भाई की, तो भाई के साथ देखते हैं क्या होता है। भाई जो कलर लेके आए हो ना मैं सारा का सारा इसी को ही लगाना है मेरे को।
अब सही है भाइयों। भाइयों ये मुंह देख के मैं बाजार में कैसे जाऊंगा। सो हेलो भाइयों, तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग वहाँ पे चलेंगे जल्दी से। तो भाइयों मैंने वहाँ पर होली अच्छे से खेल ली है, जैसे कि मैं चाचा जी जो मेरे चाचा जी हैं उनके साथ भी खेल लिया। उनके साथ हम लोग बोलते तो नहीं हैं, जैसे कि उनके साथ हमारी लड़ाई हुई है तो उनके साथ बोलते तो नहीं है, पर नया दिन था तो भाइयों मैं उनके घर पर भी चला गया दादी जी के साथ होली खेलने के लिए। और वहाँ पर भी मेरा यार बुरा हाल कर दिया था, और जो मेरे भौजी का लड़का है जो छोटा भाई है उसने भी बुरा हाल कर दिया था मेरा। आप लोग देख सकते हो कितना कलर ज़्यादा उतारा है, तो बालों में भी अभी तक बहुत ज़्यादा कलर है। तो चलो कोई बात नहीं भाइयों, तो मैं वापस जा रहा हूँ, टाइम करीबन 5 बजने के हैं भाइयों, तो मेरे को पता ही था कि लेट में हो जाऊँगा। तो मैं फ़िलहाल मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत ही मैंने बोला है, परंतु मेरी आज की भी होली अच्छे से गई है। तो भाइयों मैं मार्केट के अंदर तो आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे को बाइक मिल गई थी हैं, पर उस बाइक वाले भैया ने मेरे को चढ़ा लिया था। लग तो वैसे ही रहे थे, पर तो मेरे को जल्दबाजी थी, तो मैं आ चुका हूँ। तो आगे मार्केट के अंदर देखते हैं। तो मैं यार ज़्यादातर तो ब्लॉगिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और मेरे को घर पे भी जाना है, और घर पे जाकर तो आपको पता ही है। तो मैं अब चलता हूँ। तो भाइयों मैं आ चुका हूँ फ़िलहाल जहाँ पर मैं रहता हूँ, गठसाना के अंदर। तो भाइयों होली तो अच्छी खेल ली, और वहाँ पर भी मैं मार्केट के अंदर ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो मैं अब चलता हूँ घर पर। सो भाइयों मैं वैसे फ़िलहाल घर पर आके नहा धो लिया हूँ, और अब तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो नहाया भैया, वो कलर जो लगा हुआ था ना बहुत मुश्किल से उतारा है, एक घंटा लगा रहा हूँ नहाने को। तो अब टाइम तो फ़िलहाल हो ही रखा है वैसे। और मम्मी जी हैं वो कलर कूलर ले आए हैं, अभी लेके आए हैं जो रंग हैं, उनको भी मैंने देख लिया है। तो मैंने तो उनसे दूर ही रहूँ ताकि कलर ना लगा दे यार। तो मैं भैया आज का ब्लॉग है यहीं पर ही एंड करूँगा। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, वरना मत करना नहीं लगा हो। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।